कैसे हैं आप सब? और सब ठीक होंगे? आज मैं बना रही हूँ सिंगापुरियन राइस, और इसके लिए सबसे पहले मैंने राइस को बॉईल करने रख दिया और साथ में मैंने स्पेगेटी को भी रख दिया है। मीन वाइल ब्रेकफास्ट का टाइम था, तो मैंने सोचा कि मैं चाय पी लेती हूँ, और चाय मैंने बनाने रख दी है। और हुआ ये कि मैं अपनी यूट्यूब की वीडियोज़ ट्राईपॉड स्टैंड से यूज़ करती थी, बनाती थी, और आजकल वो बिल्कुल ख़राब हो गया, टूट गई। मैंने दराज से ऑर्डर किया था, बट ये मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने क्या किया कि मैंने सिलिकॉन जल ली, ये जो आती है गन में, इससे मैंने सारी की सारी जोड़ी थी, और फिर मैंने ट्राईपॉड स्टैंड बना लिया था। और यहाँ बच्चे बिजी हुए हुए थे खेलने के लिए गार्डन में, आजकल इनको मट्टी से खेलने का बहुत शौक था, तो मैंने कहा चलो आज अच्छा मादर है तो ये मट्टी से खेलने और मोल्ड्स बना लें जैसे ये बनाती हैं। और फिर दोपहर का टाइम हो गया था, तो मुझे यूजुअली आजकल गाजरों का बहुत अच्छा वेदर है और अच्छी सीज़न में आई हुई हैं, साथ में मैं ऑरेंजेस डाल के इसका मैं जूस डेली बनाती हूँ और ख़ुद भी पीती हूँ, और अपने हस्बैंड को भी मैं देती हूँ जैसे वो ड्यूटी से आते हैं। तो इट्स फुल ऑफ विटामिन सी, और जैसे पता है कि ये आईसाइट के लिए बहुत अच्छी गाजरें होती हैं, तो उसके लिए ये मैंने सारी की सारी पील आउट कर ली थी, और इसके सीड्स भी मैंने अलहदा कर लिए थे। क्योंकि होता ये है कि जब भी हम मशीन में ये ऑरेंज जूस डालते हैं तो सीड्स आपके इसको कड़वा कर देते हैं, लेकिन मैंने इसको सबको निकाल दिए थे सीड्स को, और पहले मैंने सारी की सारी गाजरों को मैंने इसका जूस बना लिया था, और फिर उसके बाद मैंने ऑरेंज जूस लिया, लाइक जो मैंने ऑरेंजेस पील आउट किए थे उसमें से मैंने सीड्स को निकाल दिया, और फिर मैंने सबको मिक्स करके एक अच्छा सा जूस बना लिया। अच्छा, और यहाँ सिंगापुरियन राइस के लिए मैंने चिकन ब्रेस्ट ली थी, उसके अंदर मैंने सोया सॉस डाली 1 टेबल स्पून, और साथ ही मैंने विनेगर भी 1 टेबल स्पून डाल दिया थी। मेरे पास 1 ब्रेस्ट थी सीना, ठीक है, बोनलेस मैंने कर लिया था, और बाकी स्पाइसेस इसके अंदर मैं ऐड ऑन करी, इसमें मैंने ये सॉल्ट डाला था 1 टेबल स्पून डाला था, ये मैंने इसके अंदर रेड चिली पाउडर डाला, पेपरिका पाउडर भी डाल सकते हैं, और साथ में इसको मैंने कॉर्नफ्लोर डाल के 1 टेबल स्पून इसको अच्छे से मैरिनेट करके रख दिया था, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया था कि मैंने एक कढ़ाई ली, और कढ़ाई के अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया 3 टेबल स्पून, और इसको मैंने गर्म करके रख दिया, क्योंकि सिंगापुरियन राइस के अंदर बहुत अच्छी सी ग्रेवी बनती है, ऊपर एक बड़ा हेल्दी मील होता है जिसमें आप राइस डालते हैं, और ये मैंने जिंजर पेस्ट डाला था ऑयल के अंदर, और इसको मैंने अच्छे से, इसके लिए मैंने गार्लिक नहीं डाला, सिर्फ जिंजर मैंने डाला, क्योंकि इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग और अच्छा सा टेस्ट आता है। फिर इसके बाद मैंने क्या किया, जो चिकन मैरिनेट किया हुआ था वो इसकी मैंने पीसेस को पकड़ के इसके अंदर डाल दिया, और इसको मैंने फ्राई करने के लिए रख दिया, ठीक है, इतनी सॉल्ट में कि अच्छी सी ऊपर से कोटिंग हो जाए, ये क्रिस्पी सा बन जाता है। और जैसे ही ये रेडी हो गया, चिकन बिल्कुल टेंडर हो गया था मेरा सारा का सारा, तो फिर इसके बाद मैंने इसके अंदर बाकी स्पाइसेस ऐड किए, और चिकन बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैंने इसके अंदर कैप्सिकम ऐड करनी थी और कैरेट डाली, पहले मैंने कैरेट डाली थी क्योंकि थोड़ी सख्त होती है, तो ये गलती बहुत मुश्किल से, रेड चिलीज भी डाल दी थी अगर आप स्पाइसी चाहते हैं तो, उनके चावल आप बॉयल राइस यूज़ करते हैं इसके अंदर, तो ये मैंने इसके अंदर मिक्स कर लिया था। साथ ही मैंने शंगरीला की केचप डाली 3 टेबल स्पून, और साथ ही सोया सॉस 1 टेबल स्पून डाल के, और मैंने इसके अंदर कैप्सिकम भी ऐड की थी, तो वो डाल के इसको मैंने अच्छे से सौते कर लिया ऐसे, जैसे हमारी चिकन मंचूरियन होती है। और अब मैं क्या कर रही हूँ कि मैं इसके लिए सॉस बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने मायोनीज़ ली थी, और साथ में केचप को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करके, और इसके लिए मैंने थोड़ा सा विनेगर भी डाला था एंड पे, ठीक है ना। तो ये आपकी 1000 आइलैंड सॉस बर्गर्स में आप डाल लें, इसके ऊपर टॉपिंग में डलती है, तो ये मैंने रेडी कर ली। यहाँ मैं क्या कर रही हूँ कि राइस को जो मैंने बॉयल किए हुए थे, फुल बॉयल्ड राइस थे, इसको मैंने जिस भी सर्विंग डिश में आपने बनाना है उसके ऊपर मैंने लेयरिंग लगा दी थी, और ये आपने असेंडिंग टाइम करना है, जैसे आपका डिनर का टाइम हो तो आप इसको या जो भी आप पार्टीज़ में बना रहे हैं
तो इसको इस टाइम पे कर लो। ये कुछ चावल गिर गए थे तो मैंने कहा इसको वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, इसके अंदर ही मैंने वापस डाल दिए थे। और ये जो मैंने ग्रेवी तैयार की हुई थी, फिर इसके ऊपर मैंने ये ग्रेवी की एक लेयर लगा दी, नीचे मैंने राइस की लेयर लगाई थी। अच्छा, मैंने इस डिश को बिल्कुल भी ग्रीस आउट नहीं किया था, क्योंकि राइस हमारे अच्छे होते हैं, वो नीचे बिल्कुल चिपकेंगे नहीं, क्योंकि जो इसके अंदर मैंने ऑयल डाला हुआ था वो नीचे पूरी ग्रेवी का बिल्कुल जूस जाता है। तो ये मैंने लेयरिंग सारी की सारी मैंने इसके ऊपर लगा दी अपनी सॉस की, जो हमने चिकन की ग्रेवी बनाई हुई थी। और बिलीव मी, बहुत मज़े का और हेल्दी मील बनता है, क्योंकि मैं पहले सोचती थी कि अच्छा नहीं लगता, क्या ऐसे मंचूरियन को राइस को मिक्स कर दो, बट जब से मैंने बनाना शुरू किया और मैंने खाया है तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा है। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये कैसा बना। और ये सारी की सारी मैंने लेयरिंग कर दी, और इसके अंदर राइस भी होते हैं, चिकन भी होता है, वेजिटेबल्स भी होते हैं, पास्ता भी होता है। तो इट्स अ कंप्लीट एंड गुड हेल्दी मील फॉर योर किड्स एंड योर सेल्फ। और यहाँ मैंने स्पैगेटीज को मैंने बॉईल करके, फुल बॉईल करके इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिए थे, और इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला था ताकि ये आपस में जुड़े ना, ठीक है। तो ये मैं स्पैगेटी की भी ऊपर लेयरिंग लगा रही हूँ। अच्छा, मुझे स्पैगेटी ज़रा ज़्यादा पसंद है तो मैंने ज़्यादा इसके अंदर डाली थी, आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट कर सकते हैं। और मीनवाइल इसके अंदर थाउजेंड आइलैंड सॉस जो हमने बनाई थी एंड पे वो पोर कर दें, और इसको सारा का सारा ऊपर स्प्रेड आउट कर देंगे बिल्कुल ही इक्वली, कि आपको हर पार्ट के ऊपर ये सॉस मिले और ये ना हो कहीं से ड्राई हो, कहीं से बिल्कुल ही आप कहें कि क्या बन गया है। तो आपने अच्छे से पोर करनी है, ठीक है, सारी की सारी सॉस, क्योंकि आजकल वेदर काफ़ी ख़राब है, तो मेरा अपना गला काफ़ी ख़राब है, घर में भी सब बच्चे भी बीमार हुए हैं, मेरे हस्बैंड भी बीमार हुए हैं, तो मैंने कहा झटपट से ये बना लिया जाए और इसको रख दिया जाए, तो ये इजीली अच्छी बन जाती है और आपको ऑन द स्पॉट कुकिंग भी नहीं करनी पड़ती। हम इसको बना के क्लिंकन रैप करके फ्रिज में रख लें तो ये आपके 2 दिन में अच्छे से गुजर जाते हैं फ्रिज के साथ। तो ये मैंने सारे के सारे पूरे पोर कर दी है। अब मैं क्या करूँगी कि स्प्रिंग अनियन जो फ्रेश होता है इसके ऊपर स्प्रिंकल करें, और इसका टेस्ट तो बहुत ज़बरदस्त आता है अगर आपने इसके ऊपर ट्राई किया हुआ है। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं कि स्पेगेटीज़ को भी ना लाइक फ्राई करके ऊपर डाल देते हैं, बट मुझे ये ऐसे ही पसंद है। और ये यमी से ही हमारी जो सिंगापुरियन राइस है वो रेडी हो चुके हैं, और होप सो आपको ये मेरे अच्छे लगेंगे। ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंटिंग में बताइएगा कैसे लगे। थैंक यू।